विशाल पांडे को पड़ा थप्पड़ और अरमान मलिक तीन बीबी वाले आदमी ने मारा थप्पड़ जो कि अरमान मलिक। और यह हुआ था बहुत गलत। बिग बॉस में मारा कूटी वायलेंस ही कब से होने लगी बे। वाले छात्रों को राजनीति से दूर। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्की गर्ल व्लॉग। एवरीवन लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। विशाल पांडे को थप्पड़ गलत ही पड़ा है अरमान मलिक ने जो मारा है बिग बॉस के घर में। लेकिन कटारिया और विशाल को तो काफ़ी टाइम से अनिल कपूर जी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जनता का फेवर भी इनकी तरफ है। लेकिन विशाल ने वो बात बोली थी कि भाभी सुंदर लगती है, अगर हो सकता है उसने कॉम्प्लीमेंट के रूप में बोली हो, लेकिन उसको गिल्टी लग रहा था, ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी अगर उसने कॉम्प्लीमेंट दिया था तो। और ये बोलने के बाद उसने सॉरी भी बोला था, फिर भी अरमान मलिक ने थप्पड़ मारी। तो अरमान मलिक को बाहर तो निकालना चाहिए बिग बॉस के घर से, ये गलती था थप्पड़ मेकअप के बिना मारना। ज्यादा अच्छे लगते हो भाभी, सही बोल रहा हूँ क्या? मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो आप। मुन्नी जी को नजर तार नहीं आवे, गे ना तार नहीं आवे, कभी झूठ बोलती हूँ मारते हैं। एक चीज के लिए गिल्टी हूँ मैं, नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे, सेंटेंस ये था, सुंदर नहीं था, भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि किस वे में बोल रहा था कि भाभी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और वो मैंने उनको भी बोला है, बट ठीक है यार, अगर वो गलत प्रोजेक्ट हो गया तो मुझे माफ करना पड़े, लापरवाही का नतीजा है। गाइज बहुत गलत हुआ है बिग बॉस में, ऐसा कभी नहीं हुआ। विशाल को अरमान मलिक ने इतना जोर से थप्पड़ मारा, बहुत गलत हुआ है। बिग बॉस के रूल्स के बाहर हुआ है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत मलिक ने बोला हम तो तुम टॉवल यूज करने की बात बोल रही हो, हम तो दूसरों का पति हड़प लिए। तो ऐसा कृतिका मलिका जैसे दोस्त नहीं बनाए तो अच्छा, नहीं तो आपका पति हो जाएगा चोरी। ऐसे दोस्त है दोकले दोस्तों से सावधान, गाइस सतर्क, घटिया दोस्तों से बच के रहे। घटिया दोस्ती का निशान है कृतिका मलिक, और घटिया पागलपन का पूरा अरमान मलिक की फैमिली। तुम लोग एक दूसरे का टॉवल यूज कर लेते हो? हाँ कर लेते हैं भाई, मियां बीवी हैं, क्यों नहीं कर लेंगे। नहीं करना चाहिए यार, जब दूसरे का पति यूज कर लेती हो तो ये तो फिर भी टॉवल है। अरमान मलिक बोल रहे हैं कि जो घटिया होगा वो बोलेंगे हम तो, लेकिन भाई तुझसे बड़ा घटिया तो कोई हो ही नहीं सकता। अपनी बीवी को धोखे देने वाला घटिया इंसान दूसरे को बोल रहा है घटिया। पहले जिसको इतना बता दो, अगर अपनी फैमिली का स्टैंड लेना गलत है तो ठीक है, मैं आगे से स्टैंड नहीं लूंगी मेरी फैमिली के लिए। मुझे गलत लगा कि वो गोलू के लिए ऐसे बोला, तो मैंने वहाँ पे जाके बोल दिया मैंने क्या गलत किया। आज मुझे लगा कि नहीं, विशाल की इंटेंशन खराब है इसलिए। पायल मलिक आप बहुत ही गलत हो, आप गोलू का स्टैंड ले रहे हो, गोलू गोलू कर रहे हो, अपनी सौतन का कैसे कोई स्टैंड ले सकता है। पहले बात तो आप बहुत ही गलत चीज प्रटेंड कर रहे हो। हिंदू समाज में दो बीवियाँ तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, दो बीवियाँ तब अलाउड होती है आप हिंदू हो के मुस्लिम के साथ शादी करोगे, तो तीन बीवी का लफड़ा तो आपको देखना ही पड़ेगा। अगर तुम पहले तुम्हारे लिए स्टैंड लेती, जब इसने तुम्हारी जगह छीनी थी, तेरी बेस्ट फ्रेंड हो गए, तेरे को धोखा दिया था, चीट किया था, तेरे ही पति से शादी कर ली, तब तो तूने इसको कुछ नहीं बोला, अपनी सौतन बना लिया, बड़े प्यार से इसके साथ रहने लगी, बहुत गलत था ये। और तुम हिंदू होने के बावजूद भी हमारे कानून एक्ट के तहत तो एक बीवी ही अलाउड होती है, लेकिन अब तुम खुद का स्टैंड तो ले नहीं सकते इतने। तू तो सबसे बड़ी पागल तो मुझे तू ही लगी कि तू अपने पति को दूसरी औरत के साथ शेयर कर सकती है, जबकि हमारे कोई भी औरत अपने पति को दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती। जो लड़की अपने बेस्ट फ्रेंड के पति से एक बच्चे के बाप के से शादी कर ले, वो तो समाज के लिए दब्बा ही है। और हमारे इंडिया में इस तरह के दो बीवी वाले कल्चर को सपोर्ट नहीं करे तो अच्छा, क्योंकि समाज में गलत संदेश जा रहा है। सही पकड़े हैं।